नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वायरल हिंदी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्याज व लहसुन का सेवन इस वजह से नहीं करते हैं ब्राह्मण, क्योंकि राहु केतु से है इसका सीधा संबंध, जाने क्यों। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ब्राह्मणों यानी पंडितों या फिर साधु संतों को आपने प्याज और लहसुन से परहेज करते देखा होगा। इसके साथ ही घर पर जब पूजा पाठ का आयोजन होता है तो उस दिन भी बिना प्याज लहसुन के पकवानों को बनाया जाता है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर नियम के पीछे कुछ कारण जरूर होते हैं, तो इस परंपरा के पीछे भी कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। सबसे पहले हम बात करते हैं आध्यात्मिक कारण की। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र से अमृत के कलश को निकाला गया तो देवताओं को अमृत प्रदान करने के उद्देश्य से भगवान विष्णु उन सभी में अमृत बांट रहे थे। उस समय राहु और केतु नाम के दो राक्षस अमर होने के लिए देवताओं के बीच आकर बैठ गए। भगवान विष्णु ने गलती से राहु और केतु को भी अमृत पिला दिया। हालांकि जैसे ही भगवान विष्णु को इसकी भनक लगी तो उन्होंने बिना देर किए सुदर्शन चक्र से इन राक्षसों के सिर को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन जब तक अमृत की कुछ बूंदे इनके मुंह में चली गई थी, इस वजह से उन दोनों का सिर तो अमर हो गया लेकिन धड़ नष्ट हो गया। विष्णु जी ने जब इन दोनों पर प्रहार किया तो खून की कुछ बूंदे नीचे गिर गई थी। ऐसा कहा जाता है कि खून की उन्हीं बूंदों से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसी वजह से हम जब भी इसका सेवन करते हैं तो मुंह से अजीब तरह की गंध आती है। क्योंकि राक्षसों के खून से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई, तो इसीलिए ब्राह्मण इसे नहीं खाते। अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक कारण की। आयुर्वेद में खाद्य पदार्थों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक का मतलब होता है शांति, संयम, पवित्रता और मन की शांति जैसे गुण। राजसिक का मतलब होता है जुनून और खुशी जैसे गुण। और तामसिक का मतलब होता है क्रोध, जुनून, अहंकार और विनाश जैसे गुण। दोस्तों, प्याज और लहसुन तामसिक की श्रेणी में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्हें ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आ जाता है। इससे इंसान कुछ हद तक हिंसक प्रकृति के हो जाते हैं, संयम का अभाव हो जाता है, क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है और शरीर गर्म हो जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार की नई नई वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद।